तो रोहित शर्मा भारत के बेहद कामयाब कप्तान हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर बहुत रोमांच और बहुत हंसी मजाक भी लाती है। धर्मशाला टेस्ट मैच से पहले पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि यशस्वी जायसवाल बेन डगेट से सीख रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने रोहित शर्मा ने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि हमारी टीम में एक ऋषभ पंत नाम का भी एक प्लेयर था जिसे बेन डगेट ने खेलते हुए नहीं देखा होगा। जाहिर तौर पर उनका जो इंग्लैंड की टीम आई है सीरीज में पीछे है, बैसबॉल का उनका जो हवा बना हुआ था वो जो एक फाइनल फ्रंटियर जो भारत है वहाँ के उनका फेल हो गया, भारतीय टीम ने उन्हें सीरीज में पहले ही पराजित किया है और कई सारी दिलचस्प बातें भी। लेकिन एक जो खास बात ये भी रही कि आर अश्विन जो है अपना 100वां टेस्ट मैच पूरा करने जा रहे हैं और भारत के सिर्फ 14वें खिलाड़ी हैं जो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो उनकी जमकर तारीफ की और खासकर पिछले 4-5 साल में जो आर अश्विन का रोल रहा है, मैच विनर की जो उन्होंने भूमिका निभाई है, इसे लेकर उन्होंने रोहित शर्मा ने बहुत तारीफ की। और जाहिर ये भी समझने की बात होगी सिर्फ 14वें खिलाड़ी हैं, कई सारे खिलाड़ी कप्तान धोनी के नाम 100 टेस्ट मैच नहीं, खुद रोहित शर्मा के नाम 100 टेस्ट मैच नहीं, बिशन सिंह बेदी के नाम 100 टेस्ट मैच नहीं है। बिशन सिंह बेदी के समय उतना टेस्ट मैच नहीं होते थे, लेकिन कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनके नाम जहीर खान के नाम हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ के नाम, इन सब के नाम भी 100 टेस्ट मैच नहीं है। तो अश्विन एक बहुत बड़ा मिनी स्तंभ पूरा करने जा रहे हैं, उनके साथ जाहिर तौर पर जॉनी बेस्टो जो है इंग्लैंड के वो भी 100 टेस्ट मैच पूरा करेंगे। और पिच को लेकर कहा है अब तक जो रोहित शर्मा ने कहा है कि एक अच्छी पिच होगी, हालांकि मौसम जो है और टेम्परेचर वहाँ पे डाउन होगा, ये देखने की बात होगी भारतीय टीम 4-1 से आगे जाती है या सीरीज 3-1 से भारत को जो बढ़त हासिल है ये ऐसी रहती है ये। लेकिन जिस तरीके के क्रिकेट दोनों टीमें खेल रही हैं, नतीजा निकलने की अगर मौसम ने मेहरबानी नहीं की तो मन नतीजा निकलने की बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। और भारतीय टीम के लिए भारतीय फैंस जो है ज़रूर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक IPL का दौर शुरू हो जाएगा, वो एक अलग तरह की क्रिकेट होगी और यहाँ पे जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत पहले ही नंबर 1 पे है। तो ये एक बड़ी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे भारत को एक और बढ़त हासिल होगी। और धर्मशाला में थोड़ा वेदर कंडीशन जो है वो इंग्लिश कंडीशन जैसा अभी हो रहा है, तो वो टीम उम्मीद की जा रही है कि वो चैलेंज जरूर रखेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसे कमबैक सीरीज के तरफ भी देखा है, पहला टेस्ट टीम हार गई थी और उसके बाद जबरदस्त वापसी हुई और कई सारे एक्सपर्ट से हमने बातचीत की थी और उसी समय कहा था पहला टेस्ट मैच हारने के बावजूद भारत ये सीरीज 4-1 से जीतेगी। मौसम अगर मेहरबान रहा तो ये जरूर उम्मीद करेंगे और अश्विन का 100वां टेस्ट और कई मायनों में एक रिकॉर्ड बनाती हुई ये टीम नजर आ रही है और भारतीय टीम से जाहिर तौर पर उनके फैंस एक बार और बड़ी जीत की उम्मीद करेंगे। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।